सत्य हमेशा कड़वा होता है। दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वह अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है। दुनिया में कुछ आदमी पत्नी को पांव की धूल नहीं बल्कि सिर का ताज बनाकर रखते हैं। बंद कमरे में तो हर पति प्यार जताता है, दुनिया की भीड़ में भी जो मान सम्मान दे वही सच्चा हमसफर कहलाता है। सासू माँ के हिसाब से ससुर जी उनके बस में इसलिए है क्योंकि वह सर्वगुण संपन्न है, और अगर उनका बेटा पत्नी के बस में है तो मतलब बहू ने कोई काला जादू किया है। अपने नए कपड़े और जूते खास मौकों के लिए रखना बंद कर दो। जब कोई छोटा मोटा मौका मिले तो पहन लो, क्योंकि आजकल जिंदा रहना ही सबसे बड़ा मौका है। लोग कहते हैं कि हम अच्छे होंगे तो लोग भी हमें अच्छे ही मिलेंगे, लेकिन सच तो यह है कि हम जितना ज़्यादा सच्चे और अच्छे होंगे, लोग हमारा उतना ही ज़्यादा फायदा उठाएंगे। इसलिए ना ज़्यादा सच्चे बनो और ना ज़्यादा अच्छे बनो, लोग जैसे मिले वैसे बनो। एक उम्र होती है जब सिर्फ रूप रंग महत्वपूर्ण होता है, एक उम्र होती है जब विचार महत्वपूर्ण होता है, और एक उम्र के बाद सिर्फ साथ महत्वपूर्ण होता है। पति पत्नी का रिश्ता साल दो साल का नहीं बल्कि सात जन्म का होता है। अगर अच्छे से रहे तो हर जन्म साथ में खुशी से गुजरेंगे, लेकिन बुरा सुलूक करोगे तो सात जन्म तक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सुख और दुख खुद के हाथ में है, क्योंकि यह रिश्ता जन्म और कर्मों का है। बहू को मर्यादा सिखाने वाले लोग जब खुद मर्यादा लांघते हैं तो उनसे जवाब कौन मांगे, क्योंकि अगर बहू मांग लेगी तो बदतमीज कहलाएगी। तारीफ करने वालों से ज्यादा गलतियां निकालने वालों को सीरियस लो। जिस रिश्ते में हमारी अहमियत खत्म हो चुकी हो उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर है। इंसान की आधी मौत उस वक्त हो जाती है जब उसका मनपसंद इंसान बदल जाता है, और जो उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाता था आज वही आंखों की आंसू की वजह बन जाता है। एक औरत सबके बिना रह सकती है, लेकिन अपने पति के बिना नहीं। वह कितना भी लड़े कुछ भी करे, लेकिन चाहिए उसको लास्ट में पति ही होता है। दर्द तो जिंदगी देती है, मौत को क्यों बदनाम करते हो। आप कितने भी वफादार बने रहो, जिसे रिश्ता तोड़ना होगा वह तोड़ ही देगा। तुम जो दुखों में सबका साथ देते हो, तुम्हारे दुख में कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। इज्जत इंसान की नहीं जरूरत की होती है, जरूरत खत्म इज्जत खत्म। रिश्ते जब रूठने पर आ जाते हैं तो अच्छाई भी बुराई बन जाती है। जीवन में हीरा परखने वालों से कई ज्यादा पीड़ा परखने वाला महत्वपूर्ण होता है। रोजाना खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। हम सफर ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी गैर हाजिरी में भी आपके खिलाफ कुछ गलत ना सुन सके, और उसकी हाजिरी में आपको कोई बुरा ना कह पाए। थकान सात फेरों की उम्र भरी उतारी ना गई, दो घरों की होकर भी स्त्री पराई ही रही। यह शादी के जोड़े नहीं मजबूरियों के कफन होते हैं। इन घूंघट की आड़ में औरतों के हजारों ख्वाब दफन होते हैं। एक बेवकूफ आदमी ही अपनी पत्नी को गलत और बुरा बोलकर अपने घर वालों को खुश करने में लगा रहता है, लेकिन वह नहीं जानता घर वाले सिर्फ अच्छे वक्त तक अपने हैं, लेकिन बुरे वक्त में अपनी केवल आपकी पत्नी है। जन्म और मृत्यु अब बहुत महंगे हो गए हैं। सिजेरियन के बिना कोई आता नहीं और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं। जब औलाद रोटी देने लग जाती है तो माँ बाप को डरना पड़ता है, कहीं कोई बात बुरी लग गई तो रोटी देना बंद ना कर दे।
कभी भी अपने रिलेशनशिप को किसी और के रिलेशनशिप के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि हर इंसान के प्यार करने का तरीका एक जैसा नहीं होता। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, बस यही बोलकर लोग धोखा दे जाते हैं। वक्त बीतने के बाद अक्सर यह एहसास होता है कि जो छूट गया वह लम्हा बेहतर था। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग अपनी जरूरत के अनुसार हमारा इस्तेमाल करते हैं और हमें लगता है कि वह हमें पसंद करते हैं। कुछ सास ससुर अपने बुढ़ापे का खुद ही सत्यानाश कर देते हैं। नंबर वन, अपनी बहू की दूसरों की बहू से तुलना करके। अपनी बहू के खिलाफ ससुर और बेटे को भड़काकर हर बात पर बहू के मायके वालों को बुरा भला बोलकर। अपने शब्दों में ताकत डालें, आवाज में नहीं। ऊंची आवाजें शोर करती है, दिलों पर राज नहीं। दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही आपकी असली सफलता है। सब्र की जुबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वालों की नस्लें बर्बाद कर देती है। रोशनी फैलाने के दो तरीके हैं, या तो खुद दीपक बन जाए या फिर उसके प्रकाश को प्रतिबंधित करने वाला दर्पण। आपके फीलिंग्स वही समझेगा जिसकी लाइफ में सिर्फ आप हो। वो इंसान कभी आपकी फीलिंग्स नहीं समझेगा जिसकी लाइफ में बहुत ऑप्शन हो। हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा, घड़ी दूसरे के पास होगी, समय तेरा बताएगा। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे कशिश रियल वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।